इसके चीक सारे ठीक है, फीड शीट हुई है उन्हें माशाल्लाह। यार बड़ी अच्छी मदर है, बेचारी को आज सॉफ्ट फूड नहीं दिया तो इसने सब कोई ना। यार वैसे मैं एक बात और सोच रहा था कि क्यों ना इसके नीचे से ये अंडा उठा ही दिया जाए। यार ऐसी गेम हुई है, मुझे अब हिसाब किताब ही भूल गया कि अंडों का क्या हिसाब किताब था, कौन से पेयर के कितने चिक निकले हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं बशीर आप सबको वेलकम करता हूँ अपने चैनल में। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, आज का हमारा व्लॉग। रात मैंने प्लान बनाया कि आज मतलब ना सफाई करनी है एवरी की, और सुबह इस प्लान पे अमल दरामद करने का टाइम था और मैं हो गया लेट और टाइम हो गया ज़्यादा। मतलब जो हमारी रूटीन या मेरी रूटीन होनी चाहिए कि मतलब आज एवरी साफ करनी है, उस दिन रूटीन जो है ना वो आधा घंटा घंटा पहले स्टार्ट होती है। तो खैर मैं हो गया ठीक ठाक लेट, जहाँ पे मैंने 8 बजे या 9 बजे मुझे चाहिए था वहाँ पे मुझे बज गए 10, और 10 बजे मुझे मैसेज मिला कि आज है जी एक काम, और काम था बड़ा ज़रूरी। और 10 बजे फिर मेरी ऐसी दौड़ लगी, लेकिन मैंने माइंड में एक प्लान बनाया था और जब तक मुझे वो नहीं करना था मुझे सुकून नहीं मिलना था। अब यही हुआ, एवरी मैंने साफ़ की है और ये अभी सारा चेक करें। एवरी साफ़ करने के बाद इनके पानी वाले बर्तन लगाए हैं मैंने, और इनका सीड मिक्स चेक किया है। सीड मिक्स चेक करने के बाद आज इनको स्किप किया सॉफ्ट फूड का। मैंने ये सोचा कि अभी जो है इनको गुजारे लायक चीज़ करता हूँ और बाकी का जो है ना वो आके करूँगा। होपफुली एक या दो घंटे में वापस आ जाऊँगा, लेकिन वो 2 घंटे तकरीबन आप कह लें 6 घंटे पर चले गए। अभी वापस आया हूँ, आके खाना खाया है और मुझे आते ही मैसेज मिला है कि आज इन्होंने वो शोर किया है ना कि क्या ही बताएं, वो विस्लिंग की है, ये चेक करें। अभी भी विस्लिंग से बाज नहीं आ रहे, तो भाई इनकी एक हैबिट बनी हुई है। अब इसके नीचे भी चिक्स हैं, इसके नीचे भी चिक्स हैं, इन्होंने चिक्स को फीड करवानी थी। एक फोस्टर चिक जो है वो इसके नीचे हैच हुआ है, और असल मसला मुझे एक चीज़ का है ओल्ड एवरी का, वो मैं आपको वहाँ से जाके बताता हूँ। फिलहाल मैं इनको करूँ सबसे पहले फूड सर्व, फूड सर्व करने के बाद मैं चेक करूँगा जी इनके नेस्ट बॉक्स के जो छोटे चिक्स हैं ना, स्पेशली इस पेयर के, उसको इसने फीड वगैरह करवाई है ना शेरा ने। तो चलें मैं ज़रा जल्दी जल्दी अमल दरामद कर लूँ इन सारी चीज़ों पे, फूड सर्व कर दूँ। अच्छा इधर आपको एक चीज़ और बता दूँ कि फूड में ना आज लेटेस्टली सलाद पत्ता मेरे पास नहीं था, तो मैंने जो चिकंदर के पत्ते होते हैं ना और उसकी जो टहनी होती है वो सारी इसमें ना आज जो है वो समझ लें कुतर दी है। वो काफ़ी दिन से मैं मार्केट से लाया हुआ था, वॉश करके फ्रिज में रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलें आज फिर ये चलने देते हैं। बाकी के कुछ और भी चीज़ें हैं वो मैं बाद में आपको बताता हूँ। फिलहाल फूड सर्व करूँ, फिर आपके सामने करने हैं बॉक्स चेक, और फिर हमने जाना है जी ओल्ड एवरी। ये देखें जी माशाल्लाह सेल्फ चिक्स जो हैं वो इधर सॉफ्ट फूड इंजॉय कर रहे हैं विद देयर फादर, आई थिंक फादर ही है ये इनका ना ये वाला, और मदर इनकी वो बॉक्स में है। देखेंगे एक दो दिन में बॉक्स। अच्छा अभी जो हमने इनों के बॉक्सेस चेक करने हैं ना वो अभी नहीं, क्योंकि आज पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि ओल्ड एवरी के जो बर्ड है ना वो भी बड़ा शोर कर रहे हैं। हालांकि वहाँ पे सिर्फ एक दो पेयर को ही फूड देता हूँ, लेकिन वो भी अपना हक समझ के ना वो शोर कर रहे हैं। अभी वहाँ चलते हैं, फिर वहाँ से वापसी पे आके ना इनके बॉक्स चेक करता हूँ, और कुछ बातें आपके साथ शेयर करनी है वो फिर आके ना इधर से दोबारा शेयर करता हूँ वापस आके। ओल्ड एवरी आ चुका हूँ, अब बताता हूँ आपको असल चीज़ क्या है। सुबह अंदाज़ा करें कि मैं इतनी जल्दी में था और टाइम की इतनी शॉर्टेज थी कि जो 4 बर्तन थे पानी के लगाने वाले, और मुझे टोटल आप कह रहे हैं कि 1 मिनट भी नहीं लगा इनको 4 बर्तनों को लगाने में, इतनी जल्दी में मैं आया और चला गया। अब ये जो जिसके चिक्स हैच हुए हैं ना, इसके बर्तन में ना दाना कम था। मैं अगर आपको इधर से दिखा सकूं, मैंने कहा कि चलें जी गुजारा कर जाएगा और मैं आ गया। मैंने कहा चले मैंने जल्दी वापस आ जाना है, जितनी जल्दी मैं वापस आया हूँ वो आपको बता चुका हूँ। अब मुझे वहाँ पर बार बार टेंशन हो रही थी कि इसका जो चिक्स हैं उनको फीड शीट होती रहे। अच्छा अभी मैंने इसको सॉफ्ट फूड दिया है तो ये बाहर आ गई है, मैं देखूँ इसके नीचे जो एग था वो हैच हुआ या नहीं। वो हैच हुआ तो नहीं है, वो सेंटर में पड़ा है। चले इसको रख देता हूँ। यार वैसे मैं एक बात और सोच रहा था कि क्यों ना इसके नीचे से ये अंडा उठा ही दिया जाए। बड़े केयरलेसली उठाए हैं ये अंडे, मैं अभी आपको बताता हूँ। यार मैं चाह रहा हूँ कि ये ना एक दफ़ा और एग ले कर दे, और फोस्टिंग के ज़रिए ना इससे एक दफ़ा और क्लच ले लिया जाए। तो इसने बच्चा मानना ही है वैसे, इस एग की मैं कंडीशन चेक करूँ। वो माशाल्लाह
एग जो है ना क्रैक हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि इसको इसके रिस्क पे छोड़ना चाहिए या नहीं। आई थिंक नो, साफ अंडा जो है ना वो क्रैक हो रहा है, और इसको मैं नीचे जाके फोस्टर करने लगा हूँ उसी बॉक्स में जिधर ये पहले एग गए हैं। वहाँ पे जाके आपको कुछ और बातें शेयर करता हूँ। असल जो चीज़ है वो फिर इधर रह गई है। हमने ये वाला बॉक्स चेक करना था कि इसके चिक सारे ठीक है, फीड शीट हुई है उन्हें माशाल्लाह। यार बड़ी अच्छी मदर है, बेचारी को आज सॉफ्ट फूड नहीं दिया, तो इसने सब कोई ना इक्वली जो है वो सीड मिक्स की डाइट दे दी हुई है। ये देख लें जी, बड़ी अच्छी फीड कराई हुई है। चलें अब इंजॉय करें ये सॉफ्ट फूड। मिलता हूँ मैं आपको फिर नीचे वाली एवरी से। अभी इधर जो एग हम ओल्ड एवरी से उठा के लाए हैं वो मैं करने लगा हूँ फोस्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। वापस बैक टू दिस पेयर। ओह माशाल्लाह, इधर दो चिक और हैच हुए हैं, और दो चिक मतलब दो तो हमने ऊपर वाली एवरी के एग फोस्टर किए थे, तीन शायद, दो इसके अपने थे मुझे एग्जैक्ट नहीं याद। ठीक है, वो एक चिक तो इस पेयर का अपना है, एक ऊपर वाले पेयर का है, और इस एग की कंडीशन देखो तो क्या है। फिलहाल तो इसको कुछ भी नहीं मालूम हो रहा। अच्छा इधर आपको बता दूं कि कल इस पेयर का ना एक डेड इन शेल एग मैंने उठाया था जो इस पेयर का अपना था। माशाल्लाह, एक चिक इस पेयर का अपना है, एक ओल्ड एवरी से जो एग फोस्टर किए थे उसमें से है, और एक एग अभी रहता है। और ये वाला जो अंडा है ना ये इस पेयर का अपना है जो डेड इन शेल कल मैंने उठाया था। अब ये वाला एग एक और हम करेंगे इधर फोस्टर। चलो जी, और ये भी हो गया। यार ऐसी गेम हुई है, मुझे अब हिसाब किताब ही भूल गया कि अंडों का क्या हिसाब किताब था, कौन से पेयर के कितने चिक निकले हैं। चलें जी देख लेते हैं इसको भी। अभी फिलहाल के लिए इसको मैं करूं बंद, दो चिक निकले हुए हैं और आ जाएं जी। बाकी के कल एक इधर भी चिक हैच हुआ है, ठीक है, इसको भी इधर ही रहने देता हूँ, इसको भी। बाकी फिलहाल जो मुझे था वो इन चिक्स का ज़्यादा है, इनको फीड शीट हुई है वो। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सारे चिक बड़े बेहतरीन है। ये जो सबसे छोटा है ना मुझे इसकी टेंशन होती है, लेकिन ये चेक करें जी, ये भी फीमेल बड़ी प्यारी है। ये देखें किस तरह से इसने दाना ही सबको फीड करवा दिया हुआ है सॉफ्ट फूड ना मिलने की वजह से। अब मज़े की बात पता क्या होनी है, अब जो मैंने सॉफ्ट फूड इनको दे दिया है ना उसकी वजह से इन्होंने सॉफ्ट फूड भी फीड करवा देना है, और इनके क्रॉप इतने इतने बड़े कर देने हैं इन्होंने। ये मैं बताना आपको भूल गया, ये कल एक अंडा इनो का जो इधर फोस्टर किया था ये भी डेड इन शेल हो चुका है। मतलब तीन अंडे इधर टोटल फोस्टर किए थे, इसमें से दो चिक हैच हुए हैं और एक डेड इन शेल हो गया है। एक चिक जो पहले हैच हुआ था वो उधर अभी आपको दिखा के हटाऊँ, एक इसके नीचे मौजूद है। अच्छा अभी ना मैं कंफ्यूज हो गया था रिंगनेक के चिक्स में, तो मुझे अभी एक याद आई है बात जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी एक में आपको बताया था कि मैंने ना एक एक्सपेरिमेंट किया है। तो उस समझ लें कि एक्सपेरिमेंट की वजह से ना दो एग एक साइड पर हैं, तो वो जब एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाएगा, कुछ थोड़ा सा हो गया है इधर अभी आपको हिंट दे देता हूँ, मज़ीद उसका इंतज़ार है, तो फिर टोटल हमारा हिसाब किताब सीधा हो जाएगा। मतलब ये जिन दो पेयर की मैंने फोस्टरिंग की है ना इनके नीचे टोटल 10 अंडे थे, पांच पांच दोनों पेयर्स के, एक डेड इन शेल हो गया, अब 9 बच्चे पीछे पूरे होने चाहिए, तो फिर हिसाब किताब सीधा होगा। तो वो 9 पूरे होते हैं या कोई और डेड इन शेल अल्लाह ना करे अगर होता है तो फिर। फिलहाल इधर आपको बता दूं कि ये भी आप स्क्रीन पर वीडियो भी देख रहे होंगे, कल सेम इसी टाइम इसी जगह इसी तरह से ना, ये पता नहीं शायद सुबह की वीडियो है, तो इधर ना अंडा टूटा पड़ा था, और मैं समझा कि पेयर की तो हैचिंग होने वाली है, इन्होंने ये तो हो नहीं सकता कि कोई नया अंडा ले कर दिया हो, तो मैं इस टेंशन में था। खैर सुबह जब सफाई की है तो जब मैं गैलरी पीछे से साफ करता हूँ ये बॉक्सेस वाली, तो मैं ना इसके बॉक्सेस चेक कर रहा था, तो तब मुझे आइडिया हुआ है कि इस पेयर ने मतलब जो अंडे पड़े थे ना 4, उनमें से 3 फर्टाइल हुए हैं और एक अंडा बाहर फेंक दिया। जो अंडा बाहर फेंका है ना वो फर्टाइल नहीं था, तो मतलब वो भी क्लियर हो गया इंशाल्लाह। सुबह अभी तो टाइम काफ़ी हो गया है, कुछ मज़ीद चीज़ें हैं, कुछ इंस्पेक्शन है। अच्छा इधर आपको एक और चीज़ भी बता दूं कि ये लवबर्ड के चिक्स की भी बात हो गई है, ये भी 1-2 दिन में मैक्सिमम ना चले जाने हैं, तो अभी के लिए आपके लिए ये न्यूज़ है, वो भी आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में देखने को मिलेंगे। ये सुबह के मेरे सफाई वाले जितने भी स्क्रैपर हैं ना औजार, ये सारे इधर के इधर ही पड़े हैं,
बर्ड्स को कवर करना है, अभी इनको दाना वगैरह स्वीट पॉट्स चेक करने हैं, मेरे काम अभी बाकी हैं। मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। क्या अच्छा लगा, क्या देखना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में नेक्स्ट किसी ब्लॉग के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।